आज हमने आप सब लोगों को यहाँ तकलीफ दी है, आपके आने के लिए शुक्रिया। जो मेन मुद्दा है जिस पे आज हम यहाँ आपके साथ बात करना चाहते हैं वो है जो एक डिलिमिटेशन की एक एक्सरसाइज चल रही है, जिसके कुछ रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट्स उनके मेमोरान एसोसिएट मेमोरान के जरिए से प्रेस में लीक किए गए हैं। चूंकि अभी ऑथेंटिक हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है जिसे हम सही माने, लेकिन चूंकि ये एसोसिएट मेंबर्स के जरिए से आपकी वसातत से आम लोगों के तक पहुंचा और हम तक भी पहुंचा है। डिलिमिटेशन जिसे हम समझते हैं, जैसे आप भी समझते हैं, ये एक्सरसाइज पूरे मुल्क में 2026 में होने वाली है। मुझे मालूम नहीं जम्मू कश्मीर में इसे क्यों पहले किया गया। 5 अगस्त 2019 को हमें स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया, लेकिन जब कोई चीज अनहोनी करनी है तो उसके लिए हमें स्पेशल स्टेटस माना जाता है। चलो जी सिंगल आउट करके जम्मू कश्मीर में कर लो, पहले ही कर लिया जी, शुरुआत कर ली। मकसद डिलिमिटेशन का एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए, लोगों को जो पुरानी डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसियां थी उनमें क्या तकालीफ है वो खत्म कर दें और वो अपनी राय ज्यादा मजबूती से रख सके और रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट उनकी पूरी हो। जो हमने अभी तक देखा है जितना कुछ भी मीडिया में आया है, हमें लगता है ये एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ डी एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। चाहे मैं बात करूं अपने जाट भाइयों की, सरदारों की, या जनरल कोशिश लोगों की जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं दोनों खितों में, एक बड़ी स्ट्रांग कोशिश की गई है कि इसमें एक रीजनल डिवाइड हो जाए, इसमें एक कम्युनल डिवाइड हो जाए। लेकिन मैं लोगों को मुबारकबाद ही देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि दे आर नॉट बाइंग दीज थिंग्स विच फोर्सेस वो आर इमिनिकल टू पीस, जो कोशिश कर रहे हैं कि यहां का पीस खराब हो जाए। 20 दिसंबर को आपको याद होगा जब पहली बार ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई प्रेस के जरिए से, हमने उस वक्त भी इसको रिजेक्ट किया। वो इसलिए नहीं किया कि कहीं शायद एक रीजन को 6 दी गई, एक रीजन को 1 दी गई, हमने इसलिए किया कि इस पे एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये एक अनोखा कमीशन है, हमने काफी सारे कमीशन देखे हैं, इनके पास कौन सी मैजिकल पावर्स हैं कि एक दिन में ये 15-15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की राय जानने में कैसे कामयाब हुए। आज तक हमने देखा जब भी डिलिमिटेशन कमीशन आया दिन में 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मिलते थे, दे वुड मीट जो सोशल सिविल सोसाइटी के लोग थे उनको मिलते थे, ट्रेडर्स को मिलते थे, सब लोगों से राय जानते थे और फिर अफसरों के साथ भी बैठ के राय की जाती थी, उसके बाद एक मसौदा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि दे जस्ट केम वो टच एंड गो वाली बात कि साहब हाजिरी लगानी है, हम जम्मू के जिलों में भी गए और कश्मीर में भी गए। जब वो आए थे तब भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको ये बता दें कि साहब ये एक्सरसाइज इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, कि आए और गए पहलगाम की हवा पी या यहाँ जम्मू में बैठ के कहीं दर्शन के लिए गए तो उससे उसके साथ ही सोचा क्या काम पूरा हो गया। ये जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 लोगों की एम्पावरमेंट का मसला है। उन्होंने जरूर एक चीज किया है, जितने रिपोर्ट हमारे पास अभी तक आपके जरिए से आए, दे हैव सक्सीडेड इन डिस एम्पावरिंग पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनोखी चीजें हुई हैं जो आज तक कभी सुना नहीं है, कि अब हमारे वोटरों को शायद फ्लाइंग टैक्सीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि वो एक जगह से वोट डालने जाएं जहां उनकी एरिया डाला गया है 20-20 किलोमीटर
क्रो डिस्टेंस के हिसाब से उनको जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कम से कम जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहां हुई है, या तो वो कहते हैं कि यहां कोई अमेरिकन डिप्लोमेट था डिक्सन, या तो उसको आज खुशी हो रही होगी कि उसका प्लान इंप्लीमेंट किया गया है, या कहते हैं कोई किसी जमाने में कोई ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ है या कभी ऑपरेशन टोपाज हुआ है, वो जनरल कब्रों में खुश हुआ करें, खुश हो रहे होंगे कि उनकी सोच को आज अमली जामा इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान ने पहनाया है। मुझे निहायत अफसोस है, वो कमीशन तो किन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, कौन थे उसमें, शायद मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं क्या नहीं है, लेकिन मुझे अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे अफसोस है उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स का। वो किस पार्टी से है मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम सबको मालूम है, 3 एक जमात से, 2 दूसरी जमात से। आई कॉल अपॉन देम, दे शुड रिजाइन बिकॉज दे हैव फेल्ड टू watch the interest of people of Jammu and Kashmir. It is not question of that whether they have watched the interest of their parties. They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jammu and Kashmir, and they have failed in representing the interest of people of Jammu and Kashmir. क्या बात है कि ऐसा किया जा रहा है? कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनको खासकर डिलिमिटेशन में जब बनाए गए थे वो एरियाज इसलिए बनाए गए थे कि एम्पावरमेंट हो जाए, अब उनको डिसएम्पावर करने की, और वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हमें अब भी उम्मीद है क्योंकि एक मिनी जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा था, यूपी, पंजाब, उत्तरांचल, गोवा, मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो फ्री होंगे अवलीन फुर्सत में वो इसकी तरफ तवाजा देंगे, होम मिनिस्टर साहब तवाजा देंगे, ताकि ये कैटास्ट्रॉफी जो होने जा रही है, ये अन्याय जो हो रहा है, ये जो डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है एक वास्ट मेजॉरिटी को, इसमें रेक्टिफिकेशन आ जाए ताकि लोग समझ सकें नहीं, आवर वॉइस मैटर्स, the constitution of india we have equal rights and we demand that totally this report which has been prepared sitting in some corner sipping coffee or something else, I don't want to say many things on that, this is withdrawn and interest of people remain supreme, no party is supreme than the security of this country, इस मुल्क की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं रहेगा, कोई सियासी जमात बड़ी हो छोटी हो उसका कोई वजूद नहीं। दिस वॉज द मेन टॉपिक आई वॉन्टेड टू डिस्कस। देर आर बिसाइड दिस ऑल्सो, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, पूरे परेशान, चाहे हमारा यूथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमें इस वक्त, आज हम देखते हैं कि 4 साल 5 साल पहले जो नौकरियों के लिए दरखास्तें मांगी गई थी वो दरखास्तें कुछ लोगों ने इम्तिहान भी दिए थे, कुछ लोगों ने इम्तिहान के क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यूज भी दिए, खाली लिस्ट इशू होने थे। सपना आ जाता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सपने में शायद मुझे लगता है ये कहाँ से हमें कौन सपने में ये हुक्म करता है, क्योंकि कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थी कहते हैं उसको कोई ये कहता था कल एक्सचेंज में क्या होगा, शायद इसी तरह हमें भी कोई यहाँ ये कहता है कि आ सपने में कि आज ये कैंसिल कर दो सब। भला इन बच्चों के 5 साल, इन बच्चों की मेहनत, इन बच्चों का कैरियर, क्या ये तबाह करने के लिए ये सरकार बैठी है? ठीक है, मैं एलजी साहब को मुबारकबाद ही देता हूं, उन्होंने एक सोच तो कर दी कि साहब इनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने पास किया, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, लिस्ट क्यों नहीं निकालते साहब, निकालिए। फिर हम कहते हैं बच्चों में ड्रग्स ज्यादा हो गए, फिर हम कहते हैं बच्चों में टेररिज्म का भूत सवार हुआ, ये तो हम फोर्स कर रहे हैं इनको,
इंस्टेड ऑफ गाइडिंग देम, दिस इज द चैलेंज फॉर एनीबॉडी. लेट मी शेयर विद यू फ्रेंड्स, टुमारोज चैलेंज इज नॉट टेररिज्म, टुमारोज चैलेंज इज हाउ डू वी एंगेज अवर यंगस्टर्स. हम तो उनको परेशान कर रहे हैं. वी आर ड्राइविंग देम टू ड्रग्स, वी आर ड्राइविंग देम टू गन्स. क्या बात है, बॉर्डर बटालियन करोड़ों रुपया, 500 रुपया भी इन गरीबों के लिए कैसे जोड़ते हैं. बॉर्डर बटालियन कहां है, कौन करेगा इस मुल्क की हिफाजत? क्या ये लीडर करेंगे या ये अफसर करेंगे जो आए हैं? CISF, BSF परेशान, हर एक जगह नौजवान परेशान. हम खुश हैं डी एडिक्शन सेंटर बनाए, भाई हम तो उनको पहले ड्रग्स में डोंग करें. वी आर पुशिंग देम टू डू ऑल दीज थिंग्स. हम आए रोज आए रोज आए रोज, किया क्या इन नौजवानों ने? ये तो कुछ नहीं बिचा रही थी. आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कितने अच्छी मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम इनको फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हैं. खुदा के लिए इंसाफ करिए, हमारी नई नस्लें यही है. अगर आप इन नस्लों को खत्म करना चाहते हो फिर हमें बताओ कि साहब हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे खत्म हो जाएं. सो वी नीड इमीडिएट अटेंशन ऑन दिस. वी डोंट नीड रिटोरिक ओनली कि हमें कहा जाए ये है वो है वो है. वी नीड कंक्रीट एक्शन ऑन दिस. रोज हमारे बच्चे सड़कों पे. इसी तरह एक बड़ा क्लास है डेली वेजर्स का, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो PHE के हैं. क्या परेशान किया जा रहा है जो सरकारी मुलाजमत में है, जो लगे हुए लोग हैं उनको भी तंग किया जा रहा है. कभी कहा जा रहा है 16 पेज का फॉर्म भर लो, कभी कहा जा रहा है 20 पेज का फॉर्म भर लो. भाई जरा देख लो, आप जो IAS IPS अफसर हो, आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है उसकी डिटो कॉपी क्यों नहीं मांगते हो इनको? इनको क्यों कोई और, ये इनके कौन से नए रिश्ते आपने आज ढूंढने हैं? परेशान करने की कोशिश, चाहे वो जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का शहरी है, चाहे दुकानदार है, सबको परेशान कर रहे हैं. किसान है परेशान है. समझ नहीं आ रहा है कहां ढूंढेंगे जम्मू कश्मीर के अफसरों को, कहां ढूंढे, कहां है वो? मुझे तो लगता है कहीं बिल में बैठे होंगे बेचारे, क्योंकि उनको कोई ये तो नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है. तनख्वाह देने से क्या होता है? तनख्वाह आपने दी, जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है. शायद वो अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते, कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन है, कुछ लोग जाते, कुछ लोग उनको कहते, अपना वावेला ही करते. अगर कुछ नहीं तो वो कम अज कम दिलासा ही देते. ये दिलासा भी नहीं हम देख रहे हैं. तो थोड़ा सा गुजारिश है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, सब हम लोग भी, हम सीधे साधे लोग हैं. वी बिलोंग टू अ रीजन हु हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर दिस कंट्री. हमसे ज्यादा कुर्बानियां किसी ने नहीं दी हैं. आज आप लोग कहते हो कि झंडे हर बिल्डिंग पे चढ़ाओ, झंडे चढ़ाने नहीं, आप तो ये देखते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो दिलों पे झंडे चढ़ाए हैं. हमने तो अपनी जानों पे झंडे चढ़ाए हैं, कुर्बानियां हमने दी हैं. कुर्बानियों का मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछो, मेरे पुंछ वाले से पूछो, मेरे राजौरी वाले से पूछो, आरएस वाले से पूछो, सुचितगढ़ वाले से पूछो, करना वाले से पूछो, उड़ी वाले से पूछो, गुरेज वाले से पूछो. कुर्बानियों का मतलब जम्मू कश्मीर है. कोई हमें आके ये कहे, आप देखिए डिलिमिटेशन में कुछ ऐसे एरिया ऐसे खत्म किए गए जैसे एज इफ दे डिड नॉट एग्जिस्ट. हमारा सुचितगढ़ कहां खत्म. इसी तरह वो एरियाज खत्म किए गए, कहीं से उठाया गया है, दूसरी जगह लगाया गया है. क्या है भाई, स्पेसिफिकली मैं मुबारकबाद ही देता हूं जो भी डॉक्टर हमारे हैं, जो हमारा स्टाफ था, जो इसके साथ था, नर्सेस थे, बाकी थे, इन सबको मुबारकबाद ही देता हूं. उनकी वजह से अगर जाने यहां जम्मू कश्मीर में बची हैं तो उन लोगों की मेहनत की वजह से. दे वर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आई सैल्यूट देम, द पार्टी सैल्यूट्स देम. क्या कोविड की मार ने लोगों की जो कमर तोड़ी है. एलजी साहब मैं अपील करता हूं, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं दे पाए हैं, ये वन टाइम एमनेस्टी दीजिए इनको.
इन लोगों की कमर तोड़ गई है। काइंडली कंसिडर, क्यों इन लोगों की हालत नहीं है इस वक्त ये बिजली। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी की होंगी आपने विंटर में कुछ एरियाज में तो, लेकिन कमर टूट गई है लोगों की। काइंडली कंसिडर एंड सी दैट दे गेट सम बेनिफिट सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव सम रेस्पेक्टेबल लाइफ। कश्मीरी पंडितों की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है वक्त की सरकार उन्हें एक इलेक्शन मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, जैसे इलेक्शन में पोस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इलेक्शन में बैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ है, वेयर इज दैट और व्हाट इज बीइंग सेड कि इनके लिए करेंगे, क्या कर रहे हैं इनके लिए, क्या हो रहा है इनके लिए। दे शुड बी ऑन प्रायोरिटी अटेंडेड टू और इनकी मुश्किलात दूर करनी चाहिए। ये जो डिस्प्लेस पर्सन बॉर्डरों से हुए थे उनको एक पैकेज मिलता था, कुछ रिलीफ मिलता था। एक साइड से हम कहते हैं कि हमारा बजट जी 1,10,000 करोड़ हो गया, और दूसरे साइड से हम ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनकी थोड़ी सी मदद होती थी वो बंद करें, फौरन इसे बहाल किया जाए। किसानों को जो नुकसान हुआ है ज़ालाबारी से हुआ है या कहीं कहीं पे बारिशों से हुआ, दे शुड बी कंपनसेटेड फुली। ट्रांसपोर्टर्स का एक बहुत बड़ा हलका है जिन्हें कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ियों को 20 साल के बाद कंडम करेंगे। क्या क्या बात है, किस बात पे, क्या हालत है इनकी आज नई गाड़ियां लेने की। हम तो कहते हैं अगर कुछ नहीं तो 5 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए। इन हालात में हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू बाई न्यू व्हीकल्स। एक बड़ा तबका है, आपको मालूम है जिस तरह से इन्होंने हमारे लोगों को रोजगार छीन लिया, माइनिंग और बाकी चीजें जो थी ये बाहर से लोग लाए उनको दे दिया। हमारे लोग सफर कर रहे हैं। आप देखिए जो रेत की गाड़ी 3,000 रुपए में थी वो आज 10,000 रुपए में है। बाजरी नहीं मिलती, दूसरी चीज नहीं मिलती, कोई चीज, बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू आवर पीपल, दे डोंट बिलोंग टू दोज पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द बैक डोर। हेल्थ डिपार्टमेंट, जहां मैंने कहा आपको डॉक्टरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वहां यहां बिल्कुल हमारे नेबरहुड में गांधीनगर अस्पताल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, इट हैज अ ड्यूअल कंट्रोल। पेशेंट को कहा जाता है कि आधा मेडिकल एजुकेशन के पास है, आधा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। अब एक ही को एक ही कंट्रोल में रखिए। अब पेशेंट कहां जाएगा एक्सरे करने के लिए ऊपर और एडमिट हो जाएगा यहां। दीज आर स्मॉल थिंग्स बट ये तो लोगों के मसले हैं, हमारे लिए यही बड़े मसले हैं। सो वी वॉन्ट टू हाईलाइट दीज इशूज। ये ड्यूअल कंट्रोल जहां जहां पर है इसको खत्म करने की कोशिश करें। यहां हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस का 27% रिजर्वेशन है। कहां उनको, हम सब कहते हैं पिछड़े समाज को हम ऊपर लाना चाहते हैं, क्या ख्याल रखा गया, किसमें ख्याल रखा गया, कोई बात ही नहीं, एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। एक मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब जब कोविड की रेस्ट्रिक्शन करीब करीब सब खत्म हो गई है, अच्छा है कि हमारे लोगों ने बड़ा कोविड कंप्लाइंट रहे। अब चाहिए कि मजहबी जगहों को भी लोगों के दर्शन और नमाज के लिए खोला जाए। जामा मस्जिद इज अ टिपिकल एग्जाम्पल, जामा मस्जिद श्रीनगर। प्रेयर्स आर नॉट अलाउड देयर, व्हाई आर दे नॉट अलाउड, व्हाई शुड वी गिव अ फीलिंग वी डिस्क्रिमिनेट। सो आई थिंक इट इज मैंडेटरी अपॉन द गवर्नमेंट दैट इट ओपन्स ऑल द रिलीजियस प्लेसेस इंक्लूडिंग द जामा मस्जिद श्रीनगर। थैंक यू। Now your questions.